हेलो फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज लेक्चर 2 एक्सेल का पहला लेक्चर मैंने डाला था, एंड दैट वाज अबाउट सम इफ एंड सम इफ्स। अगर आपने नहीं देखा वो जाके देखें, बिल्कुल फायदेमंद होगा आपके। आज हम बात करते हैं सेकंड लेक्चर पे, और वो वी लुकअप के बारे में है कि वी लुकअप अप्लाई कैसे करते हैं। ये बिल्कुल देखिएगा, बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो लेक्चर 3 आने वाला है उसमें मैं आपको फाइबर का एक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जिससे लोग पैसे कमाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को करने में वी लुकअप का काम बहुत होगा। तो आप बिल्कुल ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, आप अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई सिनेरियो मैंने क्या बनाया है और क्या मुझे करना है इस सिनेरियो में, और आपको ऐसा काम अगर मिलता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो भाई सिनेरियो ये है कि भाई यहाँ पे कुछ नाम आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहा है और मार्क्स आ रहे हैं। अब नाम और सब्जेक्ट मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, तो भाई ये है कि आप कहीं स्कूल में आप होते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, फाइवर पे किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और फॉर इंस्टेंस आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है कि ये इतने सारे नाम है, ये नाम अभी भी कम है, हो सकता है हजारों लाखों नाम दे दिए और उनमें से आपको बोला गया कि भाई ये 25 या 30 या 100 सेलेक्टिव नेम्स हैं, इन सेलेक्टिव नेम्स के अगेंस्ट ही मुझे सब्जेक्ट चाहिए, इन सेलेक्टिव नेम्स के अगेंस्ट ही मुझे इनके मार्क्स चाहिए। तो अब जिनको भी लुकअप की नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, वो अली कंट्रोल सी करेंगे, वो सिनेरियो में आएंगे, वो इस नाम को सर्च करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई अली इंग्लिश 20, वो इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जिनको शायद कॉपी पेस्ट भी नहीं आता वो यहाँ पे इंग्लिश 20 ऐसा मैनुअली लिख रहे होंगे। तो जब आपके पास एक्सेल है ना भाई, तो उसमें फॉर्मूलाज बहुत है, उसको यूटिलाइज करते हैं, और आज हम वी लुकअप को यूटिलाइज करेंगे। और अगर कोई भी इस तरह का काम करता है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए आज इस वीडियो के बाद बहुत आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप के फॉर्मूले से, क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, अब मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ अपनी पहली वीडियो में, आपने नहीं देखा वो जाके देखें, कि भाई कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आप करते हो इक्वल्स टू लगाने के बाद आप करोगे वी लुकअप। वी लुकअप आपने लगाया, अब वो क्या कहता है, लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो मुझे नेम्स ढूंढने हैं, मेरे नेम्स यहाँ पे आ गए, कॉमा टेबल है, वो टेबल कहाँ है जहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी, वो टेबल मैं टेबल बात कर रहा हूँ, कंप्लीट टेबल सही, मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा। तो इस टेबल में आपको, इस कॉलम में आपको ये नेम मिलेगा, तो आप क्या करोगे पूरा टेबल सिलेक्ट कर लोगे। किस तरह सिलेक्ट किया मैंने, मैंने शिफ्ट दबाया, राइट राइट, मैंने शिफ्ट से ये तीनों से सिलेक्ट कर ली, और फिर कंट्रोल डाउन करके मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का आपको इसके अगेंस्ट आंसर चाहिए। मैं आप सब्जेक्ट पे हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सिनेरियो पे आता हूँ, मैंने पूरा ये टेबल सिलेक्ट किया था, टेबल के हिसाब से ये मेरा कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा और ये कॉलम 3 होगा, तो मुझे कॉलम 2 का आंसर चाहिए। कॉलम 2 के आंसर के लिए मैं डाल दूंगा 2। अब वो कहता है कि भाई आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। मेरे पास तो नेम्स है ना, नेम्स तो जाहिर सी बात एग्जैक्टली मैच करेंगे ना। अभी मैंने नेम सारे अलग अलग डाले, अली दरिया दिल समंदर खान, मैंने सारे अलग अलग नाम डाले, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके लिए मैं फॉल्स सिलेक्ट करूंगा, टैब दबा दूंगा और ब्रैकेट क्लोज, इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर नाम के अगेंस्ट चाहिए। तो आप चाहेंगे कि भाई जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये जो है फिक्स ना हो, बल्कि नाम खुद ही खुद ही खुद ही चेंज होता रहे। अब ये फिक्स ना हो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा पहली वीडियो में जाके देखें, आपको समझ में, तो मैंने एक्सप्लेन किया भाई कि फिक्स करने से क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने फॉर्मूला कॉपी कर लिया, मैं नीचे गया कंट्रोल डाउन करके, और फिर मैं ऊपर आया कंट्रोल शिफ्ट करके, मैंने एंटर दबाया और मैंने पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, तो मेरा टाइम बच गया, मुझे बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे इन्हीं के अगेंस्ट मार्क्स चाहिए, मार्क्स मैं कैसे लाऊंगा, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेम चीज, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे भी आप ऐसे पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम आपको इस दफा थर्ड कॉलम चाहिए, तो मैं कॉमा 3 करूंगा, एग्जैक्ट मैच करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंड मेरे पास यहाँ पे मार्क्स भी आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी बेसिक तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका यूज जो है वो बहुत बड़ा है, सीखने में आसान है, थोड़ी देर लगी आप सीख गए होंगे। अगर आपको इश्यू है तो वीडियो को देखें बार बार, फॉर्मूला लगाएं, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। इसका यूज क्या है,
इसका फाइवर का प्रोजेक्ट क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बड़ा सा सिनेरियो बताऊंगा, उसमें हम व्हील का इस्तेमाल जरूर करेंगे और एक और चीज भी साथ साथ सीखेंगे, दोनों के यूज से जो फाइवर के प्रोजेक्ट पे लोग कमाते हैं पैसे कैसे कमाते हैं, वो आप भी कमाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।